जी भाई, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और रखा हुआ है। सवाल जेई मेंस का ही है। जेई मेंस 31 अगस्त 2021 शिफ्ट टू के पेपर पूछा गया था। सवाल आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ पढ़ लीजिए। सवाल है, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0 से 2 इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स बाई टू ब्रैकेट में एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स होल रेस टू द पावर इंटीग्रल पार्ट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। क्वेश्चन को मैं अगले स्लाइड पे लिख दिया हूँ, दोबारा देख लीजिए आप। क्वेश्चन यही है ना, हमने जो इंटीग्रेशन था उसको आई मान लिया। क्या मान लिया? आई। और हमें आई की ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर हो? सबसे पहले पाई स्क्वायर को तो इधर ले आओ। आई बाई क्या? पाई स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ोगे, सुनना ध्यान से, आपको मालूम होना चाहिए कि 0 से 1 में और 1 से 2 में, 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना होता है सर? 0 होता है। और 1 से 2 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना होता है? 1 होता है। इसको तोड़ना पड़ेगा कहाँ से कहाँ सर? 0 से 1 और 1 से क्या 2। सही है? क्या लिखेंगे कि 0 से 1 और दूसरा कहाँ से कहाँ? दूसरा सर 1 से 2। क्लियर हो? तोड़ना पड़ेगा इसे। तो 0 से 1 में इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो साइन पाई एक्स बाई टू ही रहेगा। हाँ सर। और यहाँ क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 0 तो होल पावर 0 डी एक्स। सही है? और 1 से 2 के बीच में, 1 से कहाँ पे? 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में पहले वाले में कोई चेंजेस तो नहीं आएगा, साइन पाई एक्स बाई टू ही रह जाएगा ये। हाँ सर। और 1 से 2 के बीच में इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 पे होल पावर 1 डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो, ये तोड़ दिया इंटीग्रेशन को। लेफ्ट साइड ऐसे ही रहेगा, आई बाई पाई स्क्वायर 0 से 1। सही है? हाँ सर। साइन पाई एक्स वाई क्या? 2। किसी नंबर पे पावर 0, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ लिखने का मतलब नहीं निकलता है। डी एक्स और दूसरा वाला इंटीग्रेशन 1 से 2 साइन पाई एक्स। सही है भाई? क्या 2? क्लियर हो? ये एक्स लिखा हुआ ना, ढंग से लिख रहा हूँ, देख लो ये एक्स है। एक तरीके से नहीं, एक्स है ये। क्लियर हो? यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या? एक्स माइनस 1 डी एक्स। हम नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन कर लेना आपने तो। हाँ सर। चलिए ध्यान दीजिए, ये तो सीधा साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? साइन का हो जाएगा माइनस कॉस। माइनस क्या? कॉस। और क्या? पाई एक्स वाई क्या? 2। सही है? और आपको पता होगा कि ये पाई बाई 2 है ना मल्टीप्लाई में, तो बाहर में हमें 2 बाई पाई का इसके बदले क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है? पाई बाई 2 जो अंदर मल्टीप्लाई में था उसके बदले। ये मालूम होगा आपको, बेसिक सा कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का। हाँ सर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर? 0 से 1 तक। देख लो भैया। सही है? हाँ सर। अब सुनो, इस पे ये नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं होगा, इस पे बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। बाय पार्ट में हम इसका करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, इसका करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। सही है? हाँ सर। बाय पार्ट में आपको पता होगा इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना, और डिफरेंशिएशन वाला शुरू में साइलेंट रहता है। हाँ सर। क्लियर हो? तो सुनना ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस तो आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, हो जाएगा 2 बाई पाई। सही है? और क्या? कॉस पाई एक्स बाई क्या? 2। कॉस पाई एक्स वाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही है यहाँ पर? हाँ सर। कॉस पाई एक्स वाई क्या? 2। क्लियर हो? और डिफरेंशिएशन वाला साइलेंट रहेगा, तो एक्स माइनस क्या? 1। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से कहाँ तक? 2 तक। अब अंदर में आइए, बाई पार्ट का दूसरा हिस्सा जो होता है ना, लिमिट तो वही रह जाएगा, 1 से 2 ही रह जाएगा। हाँ सर। इंटीग्रेशन फिर से करोगे इसका साइन का, तो माइनस कॉस बनेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस। सही है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस हो जाएगा। अच्छा, 2 बाई पाई कॉन्स्टेंट है जिसको बाहर ही निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है? यहाँ प्लस बन जाएगा और यहाँ 2 बाई पाई, ये वाला 2 बाई पाई जो इंटीग्रेशन करोगे वो बाहर आ जाएगा। हाँ सर। और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस यहाँ का बन गया प्लस, यहाँ बन जाएगा कॉस पाई एक्स बाई क्या? 2। सही है? हाँ सर। और इसका डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1, और 1 का 0, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। देख लो। सही है? हाँ सर। अब यूज कर लीजिए लिमिट। लिमिट यूज करूंगा, सुनना ध्यान से, यहाँ -2 बाई पाई, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर 1 रखूँ यहाँ पर तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, ये बन जाएगा 0, और 0 रखूँगा तो कॉस 0 बनेगा, कॉस 0 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब -2 बाई पाई सेकेंड वाले में, सही है? हाँ सर। अगर रखूँगा 2 2 रखूँगा तो यहाँ पे 2 -1 1 बनेगा। हाँ सर। और यहाँ 2 रखूंगा तो 2 बाई 2 कट लेगा, कॉस पाई बनेगा, कॉस पाई की वैल्यू हमें पता है -1। सही है? हाँ सर। और 1 रखते ही ये 0 बन जाएगा पूरा, 1 -1 0, तो उधर कुछ भी रखने कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा। अब प्लस, सुनना, अब कॉस का इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा और 2 बाई पाई फिर से बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर। ऐसा ये बन जाएगा साइन पाई एक्स वाई क्या? 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर? 1 से 2 तक। सही है? हाँ सर। अब देखो, इसको सोल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। ये भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो 2 बाई पाई प्लस क्या हो जाएगा? 2 बाई पाई। ये दोनों को फर्स्ट और सेकेंड वाले। अच्छा, प्लस। अब दूसरे वाले का इंटीग्रेशन,
ये 2 बाई पाई इंटू 2 बाई पाई कितना देगा सर? 4 बाई पाई स्क्वायर, 4 बाई क्या पाई स्क्वायर, और इंटीग्रेशन आया था साइन पाई एक्स बाई टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर? 1 से 2 तक। देख लो भैया कोई दिक्कत नहीं है सर। अब 2 बाई पाई प्लस 2 बाई पाई कितना जाएगा? 4 बाई पाई, ये 4 बाई पाई स्क्वायर। अच्छा 2 रखिएगा यहाँ पे, यहाँ 2 रखोगे तो 2 से 2 कट लेगा, साइन पाई 0 होता है। हाँ सर, और पाई बाई 1 रखिएगा तो ये बन जाएगा पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1 होता है। अच्छा हाँ सर, ये कितना आ गया सर? ये आ गया 4 बाई पाई माइनस 4 बाई क्या पाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू थी? आई की नहीं है ये, शायद आई बाई पाई की वैल्यू। देखो ना दिख जाएगा, आई बाई पाई स्क्वायर की वैल्यू है सर। देखो ना ये जो इंटीग्रेशन आया आई का नहीं है, आई बाई पाई स्क्वायर की वैल्यू सोल्व कर रहे थे अपन, ये आई बाई पाई स्क्वायर इतना हो गया। सही है हाँ सर, तो आई बाई पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, एलसीएम पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 पाई, और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 4। अब सुनना ध्यान से, तो जो कट रहे उसको काट दो, कट लेगा। हाँ सर बस आंसर आ चुका है आपने, 4 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा सर? पाई माइनस, तो 4 टाइम्स ऑफ क्या? पाई माइनस, देख लो कौन सा आंसर सही है, 4 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 1, यानी अपना सेकेंड ऑप्शन इज क्या? करेक्ट। आसान सा सवाल था, इंटीग्रल पार्ट और ट्रिग्नोमेट्री मिलाकर। ऐसे सवाल बिल्कुल जेई मेन से पूछे जाते हैं, आसान भी है, 2-3 मिनट में हार्डली हार्डली बच्चा मारने लगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, समझे? हाँ सर।